बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद नदीम एंड टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज नेवल इल कॉम्फ्लाइटस भी कहते हैं इसे। तो इसमें बेसिकली जो नेवल आर्टरीज और वेंस हैं उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। बेसिकली ये स्टार्ट क्यों होता है और कब होता है? पार्चुरेशन के बाद जब नेवल कॉर्ड की जो है वो डिसइन्फेक्शन अच्छे तरीके से नहीं होती तो फिर नेवल कॉर्ड में जो है वो पस पड़ जाती है, जिसकी वजह से जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है नेवल कॉर्ड की। तो इस चीज़ से बचने के लिए सबसे पहले आपने पार्चुरेशन के फौरन बाद नेवल कॉर्ड की डिसइन्फेक्शन करनी है। तो डिसइन्फेक्शन आप आयोडीन या आयोडीन टिंचर से भी कर सकते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन से भी कर सकते हैं, किसी भी अच्छे डिसइन्फेक्टेंट से कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इस जो काफ है उसकी नेवल कॉर्ड में पस पड़ चुकी है, जो जिसकी वजह से जो है वो उसकी इन्फ्लेमेशन हो गई है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता लीवर तक पहुँच जाती है, तो जिसकी वजह से काफ की अक्सर डेथ हो जाती है। तो जब भी पार्चुरेशन के बाद आपने इस चीज़ का एहतियात रखना है कि जब भी पार्चुरेशन हो तो फौरी बच्चे की नेवल कॉर्ड को आयोडीन सॉल्यूशन के साथ जो है उसकी डिसइन्फेक्शन करें। तो हमने सबसे पहले तो उसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड से वॉश किया, उसके बाद जो है वो पस रिमूव करेंगे गाज के साथ अच्छे तरीके से। पस रिमूव करके उसकी डीप ब्राइटनिंग करके जो भी पस सेल्स हैं उनको रिमूव करेंगे। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है जिसके साथ हम वॉश कर रहे हैं ताकि एनरोबिक कंडीशन जो है उसको ख़त्म किया जा सके और पस फार्मिंग बैक्टीरिया जो है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स जो हैं जो है वो किल किया जा सके ताकि मज़ीद जो है वो पस ना पड़े। उसके बाद अच्छे तरीके से इसको क्लीन करेंगे, ये आपके सामने ये अच्छे तरीके से क्लीन हो गया। लेकिन इस जगह से एनिमल को टेट्रस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो क्लोस्टीडियम जो टेटनाई है वो यहाँ से इंटर हो जाता है और उसके बाद वो अपने टॉक्सन रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है। तो टेट्रस होने के चांसेस जो है वो नेवल कॉर्ड से बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये ज़मीन से इन टच रहता है। तो बेसिकली आपको पता है कि जो क्लोस्टीडिया बैक्टीरिया है वो सॉइल में होता है जो कि टैटनस करवाता है। तो यहाँ से टैटनस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो नेवल कॉर्ड की डिसइन्फेक्शन है वो बहुत ज़रूरी है। अक्सर फील्ड में जो केस आते हैं वो हॉर्स में डोंकी में बहुत ज़्यादा जो है वो टैटनस होती है इसी वजह से, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई की वजह से, क्योंकि नेवल कार्ड की जो डिसइन्फेक्शन है वो अच्छे तरीके से नहीं की जाती। गोर्स में ये जो इन्फेक्शन है ये बहुत ज़्यादा है टेटनस का, क्योंकि पार्चुरेशन के फौरी बाद जो है वो नेवल कार्ड की डिसइन्फेक्शन नहीं की जाती, जिसकी वजह से ये इशू आते हैं। तो इस एनिमल को तकरीबन 3 दिन के बाद जो है पार्चुरेशन के 3 दिन बाद देखा गया तो यहाँ पस पड़ी हुई थी। क्यों पड़ी हुई थी? क्योंकि इसकी प्रॉपर तरीके से डिसइन्फेक्शन नहीं हुई, जिसकी वजह से जो पस फार्मिंग बैक्टीरिया हैं उस उनकी वजह से यहाँ जो है वो पस पड़ गई। क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया है ये नॉर्मली स्किन पे प्रेजेंट होता है और जब इसे जगह मिलती है, जब इसे वूंड या स्किन जो है वो डिसकनेक्ट होती है किसी जगह से, तो ये वहाँ इंटर होकर पस प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पस पड़ जाती है। तो इसकी हमने अच्छे तरीके से डिसइन्फेक्शन करके इसको जो है वो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का पाउडर और डिसइन्फेक्टेंट जो है अप्लाई किया है, डिसइन्फेक्शन स्प्रे अप्लाई की है स्प्रिंकलिंग फार्म में, ताकि वो डीपली वूंड में पेनिट्रेट कर जाए और मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा जितने पास फार्मिंग जो बैक्टीरिया हैं उनको किल कर सके। तो ये आप देख सकते हैं कि का